हाँ हेलो फ्रेंड, सो टुडे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम जेईई 2017। तो अच्छी प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स S1 S2 ऑफ वेवलेंथ दिस प्लेस सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल एज शोन। दिस अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विजिबल इन द अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स ऑन द सर्कुलर सर्कल सर्कमफेरेंस सर्कल। तो इस सर्कमफेरेंस पे आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिले। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स इज दिस। दो लगातार स्पॉट्स के बीच में डिफरेंस दे रखा है इसमें डेल्टा थीटा। ऑप्शन चेक करना है कि क्या क्या होगा। तो डार्क स्पॉट विल बी फाउंड एट P2, इस ऑप्शन चेक करने कहां कहां पे कैसे फ्रिंज बनेगी तो देखते हैं। चलो लेट्स सपोज बात करते हैं P1 की। तो उसके लिए आपको पता होना ये चाहिए कि अगर पार्ट डिफरेंस कुछ एन लैम्डा है तो बनता है ब्राइट स्पॉट, और अगर कुछ पार्ट डिफरेंस 2n+1λ/2 है तो बनता है डार्क स्पॉट। तो लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ P1 की, सॉरी हालांकि P2 पूछा था, पहले P2 की बात कर लेते हैं। P2 की, तो P2 पे एक वेव ने ये ट्रेवल किया और दूसरी वेव ने कुछ ये ट्रेवल किया। तो अगर P2 की बात करें खाली, तो जो पार्ट डिफरेंस होगा P2 पे दोनों में जितना S1P-S2P होगा, तो अगर इनका गैप निकालेंगे तो दिस दिस माइनस दिस, तो वो निकल के डी आ जाए, है ना। तो अब ये डी निकल गया है, डी की वैल्यू है 1.8 मिली, ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लैम्डा का मल्टीपल है या नहीं है, मतलब अगर ये इवन मल्टीपल है। जैसे यहां पे हम पुट करते हैं एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो पार्ट डिफरेंस निकल के आता है 0λ, 2λ, और अगर यहाँ पुट करते हैं इनकी वैल्यू तो पार्ट डिफरेंस निकल के आता है λ/2, 3λ/2, 5λ/2। तो कुल मिला के कंडीशन ये है कि अगर लैम्डा का मल्टीपल इवन है तो कंस्ट्रक्टिव है, और λ/2 का ऑड मल्टीपल डिस्ट्रक्टिव है। तो हम यहाँ पे हमें डी बताइए, अगर मैं इसको मैच कराऊं कि एन लैम्डा कर देता हूँ लेट सपोज, और मैं डी बाय लैम्डा का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो डी हमारे पास है 1.8 × 10⁻³, और लैम्डा को देखें, लैम्डा है 699 मीटर, तो 6×10⁻⁷, तो जाएगा ये 1.8 × 10⁴, तो जाएगा बाय 6, तो 0.3 × 10⁴, तो जाएगा 3×0000। तो ये एक नंबर निकल के आ रहा है, और देख सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि भाई डी इक्वल टू कुछ एन लैम्डा है ना, बिकॉज एन निकल के आ रहा है 3000, दैट मीन्स कि डी इक्वल टू 3000λ। तो ये इस ऑप्शन की बात कर रहा है, मैक्सिमा वाले की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है एट P2 ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विल बी मैक्सिमा, तो मैक्सिमा बन रहा होगा, ए गलत हो गया है ना। तो अगर ये λ/2 का मल्टीपल होता तो हम बोलते हैं मिनिमा बनेगा। ओके नाउ ऑप्शन बात करते हैं सी की। टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस बिटवीन इतना कि टोटल कितने बनेंगे, ठीक टोटल की बात करते हैं। तो बात करता हूं मैं P1 की, P1 पे क्या हो रहा होगा। तो P1 पे अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालू P1 पे, तो P1 पे पार्ट डिफरेंस देखेंगे तो जीरो होगा, जितना ट्रेवल किया इस वेव ने सिमेट्रिकली उस वेव में इतना ट्रेवल किया, तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे जीरो है। जीरो मतलब मैक्सिमा वाला केस हुआ कि P1 पे भी मैक्सिमा बन रहा होगा, है ना। और P2 बात किया तो वहां पे 3000 निकल के आया n की वैल्यू, n मतलब यहां बनेगा 3000 मैक्सिमा। तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 3000 है, मतलब बीच में कहीं पार्ट डिफरेंस जो है, अगर आप यहाँ कहीं निकालने जाएंगे कहीं इस जगह तो कहीं पार्ट डिफरेंस लैम्डा भी रहा आएगा, कहीं 2λ भी होगा, चलता रहेगा इस तरीके से, और यहाँ जाके वो 3000 हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है इनके बीच में कितने बनेंगे, तो भाई जीरो शुरू हुआ और करीब 3000 तक चला, तो करीब करीब 3000 बनेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सही कह रहा है। तो दोनों ऑप्शन सही हो गए। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, अगर टोटल निकाल टोटल भी निकाल सकते हैं, टोटल कितने बनेंगे। तो यहां भी करीब करीब, यहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, तो यहां भी 3000 होंगे स्पॉट्स, यहां भी 3000 होंगे, यहां भी 3000, यहां भी 3000, तो टोटल अगर जोड़ हो गया तो आपको 12000 करीब फ्रिंज मिलेंगे बनते हुए इसमें, टोटल पूरे लूप पे। ये खाली P1 P2 पूछा है तो 3000 आंसर होगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं,
डी कह रहा है कि एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंजुगेटिव राइट स्पॉट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम पी वन टू पी टू. अब एंगुलर विड्थ की बात कर रहा है कि जहां पे ये मना फर्स्ट, मान लेते हैं कि भाई यहां पे कहीं बन रहा फर्स्ट मैक्सिमम, यहां बन रहा सेकंड मैक्सिमम, तो इनके बीच का जो एंगल है उसकी बात कर रहा है. ठीक है, तो उसके लिए हम मान लें, दैट सपोज मानते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा ड्राइव करते हैं फर्दर आगे, ये हमारे पास सोर्सेज हैं दो, और जो कि डी बहुत छोटा है, डी बहुत कम है, तो बस दिख रहा है आपको मिलीमीटर में, और रेडियस सर्कल का थोड़ा बड़ा मान लेते हैं यूजुअली. तो अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं सर्कल पे, और यहां मैं बात करूं कितना पार्ट डिफरेंस होगा इस एंगल को, अगर मैं थीटा मान लूं, तो ये एस वन है, ये एस टू है, ये पी है, और बहुत दूर है पॉइंट, पी इज फार, बहुत बड़ा, क्योंकि डी बहुत छोटा होता, तो एस वन पी और एस टू पी लगभग पैरल हो जाएंगे, बिकॉज ये बहुत दूर पॉइंट है ऐसा कुछ, तो पैरल होंगे. हमको इनके बीच का गैप निकालना, तो गैप के लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट पे. तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, जो इनका बीच का जो गैप है, जो पार्ट डिफरेंस है, एस वन पी माइनस एस टू पी, वो एक्चुअली ये डिस्टेंस ही होगा, ये वाला यहां से यहां तक का. तो ये हमारे पास डी है, दिस इज डी, दिस इज थीटा, तो इसको बोल सकते हो आप डी कॉस थीटा. तो इनका जो गैप निकल के आएगा वो डी कॉस थीटा निकल के आएगा, तो इसको आप थोड़ा याद भी कर सकते हैं, बहुत बार ये काम आ सकता है. तो जो पार्ट डिफरेंस निकल के आया वो आया डी कॉस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा. अब उनको यहां से सेट कर दें. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि जैसे जैसे आप मूव करोगे पी वन से पी टू, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी. पी वन था ये वाला पॉइंट और पी टू था ये वाला पॉइंट, हमने थीटा यहां से माना इसको. ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि एंगल, ठीक है, तो मैं अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं इस इक्वेशन को, तो बनेगा माइनस डी साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एन इन टू लैम्डा. लैम्डा कॉन्स्टेंट है, तो डी थीटा बाई डी एन निकालेंगे तो निकल के आएगा लैम्डा बाय डी साइन थीटा. इसका आप मॉड ले सकते हैं, मॉड ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू निकल के आ जाए. अब जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो कि आप पी वन से पी टू मूव करेंगे, तो जैसे आप पी वन से पी टू मूव करोगे तो थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि थीटा हमने ऐसे मान रखा है इस तरफ से, पी टू पी वन मान रखा है. जैसे आप किसी पॉइंट पर यहाँ पे फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, थीटा कम होता जाएगा. तो एज वी मूव फ्रॉम पी वन टू पी टू थीटा कम होगा, थीटा अगर कम होगा तो साइन थीटा कम होता जाएगा. तो जो ये टर्म आपको दिख रही है ओवर लैम्डा कॉन्स्टेंट है, डी कॉन्स्टेंट है, तो जो ये ओवरऑल टर्म दिख रही है आपको, ये बढ़ती चली जाएगी. दैट मीन्स कि डी थीटा बाय डी एन बता रहा है कि चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन फ्रिंज, तो एंगल के साथ फ्रिंज के साथ कैसे एंगल बदल रहा है, यही पूछ रहा है एक्चुअली क्वेश्चन में. तो देख सकते हैं जैसे जैसे थीटा कम होता जा रहा है, पी वन से पी टू मूव कर रहे हैं, तो ये टर्म बढ़ रही है, मतलब सेपरेशन बढ़ती आ रही है फ्रिंजेस के बीच में, एंगुलर सेपरेशन. तो कह रहा है कि एंगुलर सेपरेशन कम हो रही है, उल्टी बात कर रहा है, तो ऑप्शन ये गलत हो गया साफ साफ. तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर डी में, तो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा. कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस तरह की और वीडियोज के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.